हेलो फ्रेंड्स, आज मैं झटपट सी रेसिपी लेकर आई हूँ कुल्फ़ी की दोस्तों। और ये कुल्फ़ी खाने में इतनी लाजवाब बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है, तो बच्चों को बड़ों को सबको ये पसंद आएगी। बहुत ही झटपट कम सामान में ये रेसिपी बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है और एक नींबू लिया है और 3-4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर रूह अफ़ज़ा ली है। तो आप रोज़ सिरप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राइंडर में मैंने पुदीना और नींबू का रस डाल दिया है और इसकी हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। इससे पहले इसमें डालेंगे हम जीरा, कच्चा जीरा मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों। तो इसको हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और फ्रेंड, ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से छान लिया था और ये हमारा रस बन के तैयार हो चुका है। तो इधर मैं एक बाउल ले रही हूँ, तो बाउल में मैंने वही रस मैंने इसमें डाल दिया है, पुदीना जीरा जिसको मैंने पीस के बनाया था नींबू का रस, उसको छान लेना है। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा। तो फ्रेंड्स, पहले थोड़ी सी बचा लेती हूँ, देखते हैं मीठा कितना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। तो इसी के साथ डालूँगी मैं 1 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा साधारण नमक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो और इसमें डालेंगे पानी। तो फ्रेंड, ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और जो खाने में है ये इतनी लाजवाब बनती है। तो इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। अगर आप रूह अफ़ज़ा की जगह रोज़ सिरप लेते हैं तो वो भी चलेगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि इसका जो मिठास है वो सही है कि नहीं। तो मैं ये बाकी का रूह अफ़ज़ा भी इसमें डाल दे रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर से। तो फ्रेंड, टेस्ट करके फिर ही आपको कुल्फ़ी बनानी है कि इसमें मीठा और नमक दोनों चीज़ें आप चेक कर लें। तो फ्रेंड, अभी परफेक्ट है। तो अभी मैं इसमें जो मोल्ड आते हैं कुल्फ़ी के, मैं उसमें भर रही हूँ। तो देखो फ्रेंड, कितना इसको बनाना आसान है। बस अभी इसको मोल्ड में डाल के हम इसको जमा लेंगे और फिर ही हमारी कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी खाने के लिए। और खाने में बहुत ही ये जो टेस्टी होती है दोस्तों, तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से बनाइएगा। और बच्चों को क्या, बड़ों को भी पसंद आएगी, आप लोगों को सबको पसंद आएगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मोल्ड ऊपर से खाली रखिएगा ताकि जमने में थोड़ी आसानी रहे। तो इसके ढक्कन लगा देते हैं अच्छे से और इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो फ्रेंड, 7-8 घंटे के बाद मैंने ये फ्रीज़र से निकाल लिया है और देखिए फ्रेंड, हमारी जो कुल्फ़ी है ये बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब बनती है। तो टेस्ट में एक नंबर की है ये। तो आप इसको एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, देखने में जितनी सुंदर है ये खाने में उतनी टेस्टी है। तो फ्रेंड, एक बार रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।